हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके वीडियो का विषय है इस्पाती इरादा। आपकी पाठ्यपुस्तक अनुराग हिंदी पाठमाला पाठ 18 इस्पाती इरादा नामक निबंध के विषय में यह वीडियो आपके लिए भेजा जा रहा। प्रस्तुत निबंध शिवदयाल द्वारा लिखित, जिसका उद्देश्य विपत्तियों से न घबराना, अपंगता पर विजय पाना, बहादुरी, साहस, आत्मनियंत्रण और आगे बढ़ने की चाहत एवं सहयोग की भावना की प्रेरणा देता है। यह निबंध शिवदयाल द्वारा लिखित यह निबंध हमें उन इस्पाती इरादे या इरादों वाले खिलाड़ियों की जानकारी प्रदान करता है, जो अपनी अपंगता पर भी विजय प्राप्त कर ली है और वे खिलाड़ी दुनिया को चकित करते हुए विजेता बन बैठे। अर्थात जो अपंग है अपने शरीर से, उसका शरीर पूर्ण रूप से अक्षम है, फिर भी स्वस्थ खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए यह अपनी अपंगता पर विजय प्राप्त करके और विश्व विजेता बन जाते हैं, तो यह एक आश्चर्य करने वाली घटना और प्रेरणक प्रसंग होता है। उनके जीवन के इस प्रेरक प्रसंगों में दुनिया भर के अपंग लोगों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश छिपा है। अर्थात दुनिया में जो भी अपंग लोग हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए ये लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे प्रेरणा लेकर दृढ़ निश्चय से अपनी अपंगता पर विजय पा सकते हैं। जैसा कि इस पाठ में वर्णित है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विजेता बनना। यानी पहले तो ओलंपिक खेलों में भाग लेना ही मुश्किल है, महत्वपूर्ण होता है जितना कि विजेता बनना महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य उन खिलाड़ियों के लिए अत्यंत दुष्कर यानी कि कठिन होता है जो बीमारी या किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। किंतु ओलंपिक का इतिहास ऐसे लौह संकल्पों वाले खिलाड़ियों के जीवन प्रसंगों से भरा पड़ा है। अर्थात ओलंपिक के क्षेत्र में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपंग होते हुए भी विजेता बने, तो ओलंपिक के क्षेत्र में ऐसे संकल्प और ऐसे लौह संकल्प यानी लोहे के समान मजबूत इरादे वाले लोगों का नाम भरा पड़ा है इतिहास में। जो अपंग हुए, विकलांगता का शिकार हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपंग भी हुए, विकलांगता का शिकार भी हुए, परंतु हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। अर्थात और एक दिन ओलंपिक विजेता बन गए। एक तरफ खेल के नक्शे पर जेम्सी ओवेंस ने भी अश्वेत अश्वेत माने काले रंग की, लोगों से पहले बहुत भेदभाव किया जाता है, उन्होंने भी अश्वेत प्रतिभा को प्रस्थापित किया, तो महिला वर्ग में भी यही कार्य करने का श्रेय बिल्मा रुडोल्फ को भी जाता है। बिल्मा का जन्म 23 जून 1940 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बहुत ही गरीब और अश्वेत परिवार में हुआ था। वह सिर्फ 4 वर्ष की आयु में पोलियो की शिकार हो गई।
और बायां पैर बेकार हो गया। 2 वर्षों तक बिस्तर में ही सिमटी रही और इसके बाद बैसाखी का सहारा लेकर वह चलना सीखने लगी। डॉक्टरों की सलाह पर उसके भाई बहन उसके पैरों की मालिश करते रहे। इससे उसको लाभ हुआ और बिल्वा बैसाखी को छोड़कर आर्थोपैडिक जूते पहनकर बास्केटबॉल खेलने लगी। उसके पैरों की गति में सुधार होता गया और वह हाई स्कूल की ओर से बास्केटबॉल खेलने लगी। तभी प्रशिक्षक की निगाह उस पर अचानक पड़ती है और उसने बिल्मा की प्रतिभा को पहचाना और उसको बताया कि उसमें एक श्रेष्ठ धावक होने की पूरी क्षमता है। इसके बाद 4 वर्षों के बाद ही वह अमेरिका के ओलंपिक दल में स्थान भी पा गई और उसने 1956 के ओलंपिक में 400 मीटर की रिले दौड़ में कांस्य पदक भी जीता। उस समय बिल्मा मात्र 16 वर्ष की थी। एक अन्य पोलियोग्रस्त खिलाड़ी वाल्टर डेविस का भी हाई जंपर यानी ऊंची कूद का खिलाड़ी बनना तो चमत्कार ही था, वो भी पोलियोग्रस्त था। रेमंड एवरी भी एक ऐसा ही महान एथलीट खिलाड़ी था। कम उम्र में भी वह पोलियो से कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाने के बाद भी, लेकिन उसने भी पैरों के व्यायाम की अपनी नई तरकीब निकाली और फिर उसने उसको लाभ हुआ और उसकी टांगें इतनी मजबूत हो गई कि वह भी 15 बार राष्ट्रीय चैंपियन बना। अर्थात ऐसे विकलांग खिलाड़ियों से ओलंपिक के क्षेत्र में इतिहास भरा पड़ा हुआ है। तो जो भी लोग विकलांग हैं उनके लिए ये पाठ प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा देता है कि अपंग होने के बाद हमें हार और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को दृढ़ संकल्प करते हुए उससे लड़ना चाहिए, जैसे यह पाठ हमें प्रेरणा देता है। तो इस इस्पाती इरादे का नाम जो है वो इस्पाती का मतलब, इस्पात माने लोहा, इरादा माने लोहे के जैसा पक्का इरादा रखने वाले व्यक्ति ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसका पाठ का नाम भी यही रखा गया है। तो धन्यवाद बच्चों।